सो हे टेकीज, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैंने आज आपके लिए इस वीडियो में 15,000 के बजट रेंज में आने वाले सबसे बेस्ट स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट किया है, जहां पे आपको 4G और 5G दोनों टाइप के स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपका बजट 15,000 के आसपास है तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको एक 4G स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए, जहां पे आपको वैल्यू फॉर मनी वाली स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। बाकी मैंने जिन स्मार्टफोन को सेलेक्ट किया वहां पे आपको पावरफुल 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको इस बजट रेंज में एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए था, जहां पे आपको प्रो फोटोग्राफी करनी, वीडियोग्राफी करनी या फिर हेवी गेमिंग के लिए कोई एक बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए था, तो मैंने आज आपके लिए सेलेक्ट किए हैं टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 15,000, जो कि आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। वैसे बेस्ट तो टेकी बिज का सब्सक्राइब बटन भी, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारे लिस्ट में नंबर 5 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F23। इस स्मार्टफोन में आपको एक पावरफुल 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि इस बजट रेंज के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। उसके साथ साथ अच्छा खासा यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा और कैमरे की क्वालिटी भी इस बजट रेंज के हिसाब से एकदम टॉप नॉच लेवल की देखने को मिल जाती है। पर इस स्मार्टफोन में कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे कि TFT डिस्प्ले मिलती है, वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले, तो जिसकी वजह से जो डिजाइन देखने को मिलता है ना, वो थोड़ा सा ओल्डिश फील होता है। और इस स्मार्टफोन का जो सबसे मेजर इशू मुझे लगा वो ये है कि इस स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको कोई भी चार्जिंग अडैप्टर देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए हमने इस स्मार्टफोन को हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे रखा है। अगर आपको एक 4G स्मार्टफोन चाहिए सैमसंग की तरफ से आने वाला, तो M32 आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है, जहां पर आपको कैमरे की क्वालिटी टॉप नॉच लेवल की देखने को मिल जाती है। बाकी बात कर लेते हैं सैमसंग की तरफ से आने वाले गैलेक्सी F23 के स्पेसिफिकेशंस की। तो यहां पे आपको 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। ये एक इन्फिनिटी यू वाली ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है, जो की 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, 3.5mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। बात करें अगर प्रोसेसर की, तो इस स्मार्टफोन में Qualcomm का Snapdragon 750G वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन Android 12 पे आता है, One UI 4.1 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि सपोर्ट करती है 25W के फास्ट चार्जिंग को। इनबॉक्स आपको कोई भी चार्जिंग अडैप्टर नहीं मिलने वाला है। बात करें कैमरे की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50MP का है, दूसरा कैमरा 8MP का अल्ट्रा वाइड शूटर और तीसरा कैमरा 2MP का मैक्रो शूटर मिल जाता है। फ्रंट में भी आपको 8MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको सिंगल टेक, AR जोन, हाइपरलैप्स और सीन ऑप्टिमाइजर जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। पावरफुल टेक्नोलॉजी है, दो कलर वेरिएंट के साथ आता है, एक्वा ब्लू और फॉरेस्ट ग्रीन। वर्चुअली रैम एक्सपांड करने का सपोर्ट भी मिल जाता है, LPDDR4X की रैम है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो इस स्मार्टफोन का 4GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरियंट आपको देखने को मिल जाता है 15,999 रुपए में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट में नंबर 4 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है पोको की तरफ से पोको M4 प्रो 4G वाला एडिशन या फिर 5G। आप इन दोनों स्मार्टफोन में से किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। अगर आपको एक 5G प्रोसेसर के साथ आने वाला स्मार्टफोन चाहिए तो पोको M4 प्रो 5G, और 4G प्रोसेसर के साथ आने वाला चाहिए तो पोको M4 प्रो 4G, दोनों ही बेस्ट हैं। और अगर आपको इस बजट में कोई सा एक बेस्ट पोको का स्मार्टफोन चाहिए था, जहां पे आपको अच्छी खासी पावरफुल परफॉर्मेंस मिल जाए, सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो, अच्छा खासा कैमरे की क्वालिटी हो, बैटरी लाइफ, चार्जिंग सेट, सब कुछ आपको एकदम टॉप नॉच लेवल की देखने को मिल जाए, तगड़ी देखने को मिल जाए, तो मेरे ख्याल से आपको पोको M4 प्रो 4G को कंसीडर करना चाहिए। बाकी बात कर लेते हैं M4 प्रो 4G के स्पेसिफिकेशंस की। तो यहां पे आपको 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस वाली AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर प्रोसेसर के, तो यहाँ पे आपको MediaTek का Helio G96 वाला एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन Android पे आता है, MIUI पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, जो की सपोर्ट करती है 33W के फास्ट चार्जिंग को। बात करें कैमरे की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64MP का है, अपर्चर F1.8 का है, दूसरा कैमरा 8MP का और तीसरा कैमरा 2MP का मिल जाता है। फ्रंट में 16MP का सेल्फी शूटर है। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको फेस डिटेक्शन, प्रो मोड, AI सीन डिटेक्शन और सुपर स्लो मोशन जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट है, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो इस स्मार्टफोन का 4GB रैम प्लस 64GB रोम वाला वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा 14,999 रुपए में। और अगर आप इस स्मार्टफोन को सेल में परचेस करते हैं, तो इस स्मार्टफोन का 6GB रैम प्लस 64GB रोम वाला वेरियंट आपको मिल जाता है 12,999 रुपए में। उसके बाद
कर लेते हैं, हमारे लिस्ट में नंबर थर्ड पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है Realme की तरफ से Realme 8 और Realme 9 5G। अगर आपको एक 5G स्मार्टफोन चाहिए Realme की तरफ से आने वाला, तो नो डाउट Realme 9 5G आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होने वाली है। बाकी पर्सनली मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको Realme 8 के साथ जाना चाहिए, जहां पे आपको बेटर ऑप्टिमाइज कैमरा देखने को मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है विद सुपर एमोलेड डिस्प्ले। बात कर लेते हैं Realme 8 के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहां पे आपको 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। बात करें प्रोसेसर के, तो यहां पे आपको MediaTek का Helio G95 वाला एक पावरफुल 4G प्रोसेसर मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड पे आता है, Realme UI पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करती है 30 वोल्ट के फास्ट डार्ट चार्जिंग को। बात करें कैमरे की, तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल शूटर, तीसरा और चौथा कैमरा 2+2 मेगापिक्सल के मैक्रो और मोनो शूटर है। फ्रंट में भी आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको सीमोस सेंसर देखने को मिलता है और बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड है, जैसे कि सुपर नाइटस्केप, टिल शिफ्ट, नियॉन पोर्ट्रेट, डायनेमिक बोके मोड और डुअल व्यू वीडियो मोड जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। 4K तक की वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है, 1080p पे आप 60fps तक वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो इस स्मार्टफोन का 4GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको करंटली देखने को मिल रहा है 15,999 रुपए में। और अगर आप थोड़ा सा वेट करके सेल में इस स्मार्टफोन को परचेस करेंगे, तो 13,000 से लेकर 14,000 के अंडर में स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी उसके बाद बात कर लेते हैं, हमारे लिए इसमें नंबर सेकंड पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है मोटोरोला की तरफ से मोटो G52। एक और ऑप्शन है, अगर आपको 5G स्मार्टफोन चाहिए तो मोटोरोला की तरफ से G51 एक बेस्ट चॉइस है, पर कहीं ना कहीं वहां पर आपको स्पेसिफिकेशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है। G52 मेरे ख्याल से एक बेस्ट चॉइस है। तो अगर आप इस बजट रेंज में कोई ऐसा एक बेस्ट स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आने वाला स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे, जहां पे आपको कोई भी ब्लोटवेयर एड ना देखने को मिले, तो G52 के साथ आप जा सकते हैं। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहां पे आपको देखने को मिल जाती है 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली एक पीओएलईडी डिस्प्ले, 360Hz का टच सैंपलिंग रेट मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है और 3.5mm का हेडफोन जैक भी मिल जाता है। बात करें अगर प्रोसेसर की, तो यहां पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 680 वाला एक पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आता है, स्टॉक एंड्रॉइड पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करती है 33 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग को। बात करें कैमरा फीचर की, तो यहां ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड शूटर और तीसरा कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर मिल जाता है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी है, फुल एचडी तक वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड मिल जाते हैं, जैसे कि डुअल कैप्चर, स्मार्ट कॉम्पोजिशन, प्रो मोड, लाइव फोटो और नाइट विजन जैसे ऑप्शन। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहां पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट मिल जाता है, IP52 का वाटर रिपेलेंट डिजाइन है, थिंक सिल्क सिक्योरिटी है, रैम एक्सपेंशन का सपोर्ट भी मिल जाता है। और अगर फाइनली बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग की, तो इस स्मार्टफोन का 4GB रैम प्लस 64GB रोम वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा 14,499 रुपए में। उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं, हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है वीवो की तरफ से वीवो T1 5G वाला एडिशन। आप 4G वाले एडिशन के साथ भी जा सकते हैं, जहां पे आपको एकदम वैल्यू फॉर मनी वाली स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। 4G प्रोसेसर है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, अच्छा खासा चार्जिंग स्पीड है, बैटरी लाइफ भी टॉप नॉच लेवल की मिल जाती है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो अगर आप 4G स्मार्टफोन के साथ जाना चाहते हैं, तो वीवो T1 4G आपके लिए बेस्ट होगा, या फिर आईको Z6 4G वाला ऑप्शन भी बहुत ही अच्छा है, दोनों सेम है। और अगर आपको एक 5G प्रोसेसर के साथ आने वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो वीवो T1 5G या फिर आईको Z6 5G दोनों आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। बाकी बात कर लेते हैं वीवो T1 5G के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको 6.58 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है, 240Hz का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाएगा, 3.5mm का ऑडियो जैक भी मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है। बात कर अगर प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 695 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड पे आता है, फंटा चॉइस पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करती है 18 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग को। बात करें अगर इस स्मार्टफोन के कैमरा फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, दूसरा और तीसरा कैमरा 2+2 मेगापिक्सल के हैं। फ्रंट में भी आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको नाइट मोड, लाइव फोटो, सुपर स्लो मोशन, टाइम लैप्स और AR स्टिकर जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। 2 कलर वेरिएंट के साथ आता है, स्टारलाइट ब्लैक और रेनबो फैंटेसी। इस स्मार्टफोन में आपको टर्बो कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, हेवी गेमिंग के लिए एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट भी है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो इस स्मार्टफोन का 4GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा 15,990 रुपए में। तो दोस्तों ये तो थे हमारी लिस्ट के टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन, जिनकी प्राइसिंग आपको 15,000 के आसपास देखने को मिल जाती है।
आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, कंपनी के अकॉर्डिंग या फिर बजट के अकॉर्डिंग किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। पर पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आपको कौन से स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए। तो अगर आपका बजट 15,000 के आसपास है और आपको चाहिए इस बजट में कोई सा एक बेस्ट कैमरा सेंटर की स्मार्टफोन, तो Vivo T1 4G या फिर 5G वाला एडिशन, Realme 8 और Samsung की तरफ से F23 आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल के दे देंगे कैमरे के मामले में। M32 भी बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है इस बजट रेंज में। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आपको एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए इस बजट में, तो आप जा सकते हैं पोको की तरफ से पोको M4 Pro और iQOO Z6 5G वाले एडिशन के साथ। वहाँ पे आपको जो गेमिंग की परफॉर्मेंस मिलने वाली है वो इस बजट रेंज के हिसाब से बहुत ही अच्छी मिल जाएगी। बाकी दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।